दोस्तों भारत की सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और चाइनीज 59 एप्लीकेशन बंद कर दिए हैं, जिनमें से मुख्यतः है टिकटॉक। टिकटॉक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया की मार्केट में और इंडिया में करोड़ों करोड़ व्यक्तियों के मोबाइल पर टिकटॉक है और टिकटॉक के साथ साथ 59 तरह के चाइनीज ऐप्स बंद कर दिए गए हैं, जैसे कि हेलो हो गया, टिकटॉक हेलो, यूसी ब्राउज़र, ब्यूटी प्लस, इस तरह करके मैं पूरी लिस्ट दिए दे रहा हूँ आपको, लिस्ट आप देख लीजिए। इस तरह के 59 तरह के इंडिया ने चाइनीज़ ऐप बंद कर दिए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो हमारे डाटा का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि हमारे चीन से संबंध बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ा है। दोस्तों गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस फैसले से चीन को भी पता चल जाएगा और गवर्नमेंट ने ये दिखाते हुए कहा है कि हम भी कम नहीं, अगर तुम हमारे साथ गलत करते हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसे आईटी एक्ट 2000 के तहत भारत को अधिकार है कि वह किसी भी दूसरे देश के एप्लीकेशन को वो बैन कर सकता है, इसलिए सरकार ने 59 तरह के चाइनीज़ ऐप सीधे से बंद कर दिए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार को ऐसा अंदेशा था कि चीन हमारे यूजर्स का, करोड़ों करोड़ लोग जो यूज कर रहे हैं, इनका डाटा वो इनके मोबाइल से लेकर और कहीं भी यूज कर सकता है। चीन में एक एक्ट है, एक नियम है, जिसके कारण चाइनीज़ सरकार अगर चाहे तो जो भी चीनी कंपनियां हैं उनसे कभी भी वो डाटा ले सकती हैं और चीनी कंपनियों को देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकती हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। दोस्तों भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, चीनी ऐप्स, जो चीनी एप्लीकेशन है, 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है पूरी तरह से। 59 तरह के एप्लीकेशन को, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिए, जिसमें मुख्यतः है सबसे महत्वपूर्ण जो सब करोड़ों लोग यूज करते हैं वो टिकटॉक। टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन कर दिया है और भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज ऐप और 59 चाइनीजी मोबाइल ऐप को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसमें मेनली सुन लीजिए एक बार फिर से, मेनली टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, हेलो बहुत ज़्यादा चलता था, वीगो जैसे ऐप्स भी शामिल हैं। इसमें आईटी मंत्रालय ने आज एक आधिकारिक बयान जारी किया है और उसमें आईटी मंत्रालय ने कहा है कि हमें कई शिकायतें मिली है जिसमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप्स उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें बाहर, मतलब भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेज सकते हैं, इसी वजह से भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है। और उन्होंने ये भी बोला, सरकार की ओर से जारी बयान में ये भी बोला गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आधारित है और यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी कर दी है।